ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में जानेंगे देवशयनी एकादशी के बारे में कि कब है देवशयनी एकादशी और इसका महत्व क्या है। तो इस पावन दिन पर जो भी व्रत करते हैं उनको पापों से मुक्ति मिल जाती है, जीवन जो है वो समृद्धशाली बनता है। जीवन में जो मनोकामनाएं हैं आपकी, जैसे किसी को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पैसा चाहिए, स्वास्थ्य अच्छा चाहिए, किसी को निरोगी काया चाहिए, तो वो आपको मिलता है। खास करके स्वास्थ्य के लाभ तो बहुत होते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी का व्रत रखने से मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। और साइंस के अकॉर्डिंग अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं, 24 एकादशी आती है पूरे साल में, और जो लगभग 20 एकादशी भी करे तो उसके जीवन में कैंसर होने के चांसेस 80% तक कम हो जाते हैं। तो एकादशी करना तो है आपको, चाहे आप साइंस मानिए चाहे आप धार्मिक मान्यता के अनुसार। लेकिन हम बात कर रहे हैं धार्मिक मान्यता की। एक बार प्रेम से कमेंट में जरूर लिखिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप सभी का कमेंट हमें और अच्छी वीडियो लेकर के आने के लिए मददगार होता है, तो इसलिए ये जरूर कीजिए। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की अगर आप विधिवत पूजा करते हैं तो आपके मन में जो भी इच्छा है, चाहे आपको जो बनना है, वो पूरी होती है। हमारे पांचांग के अनुसार अषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं। पुराणों के अनुसार बात करें तो इस दिन से 4 महीने के लिए भगवान विष्णु जो हैं वो योग निद्रा में रहते हैं। इस 4 महीने में मांगलिक कार्य नहीं होते हैं, यानी कि किसी भी प्रकार की शादी हो गया या फिर जो शुभ कार्य होते हैं वो नहीं होते हैं। कार्तिक महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान योग निद्रा से उठते हैं। इस एकादशी को देव उठनी एकादशी कहा जाता है। इस साल देवशयनी एकादशी जो है वो 10 जुलाई 2012 को पड़ रही है। देवशयनी एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है जान लेते हैं। तो देवशयनी एकादशी की तिथि जो स्टार्ट होगी, वैसे तो वो 9 जुलाई 2022 को शाम में 4:39 पर ही स्टार्ट हो जाएगी, प्रारंभ हो जाएगी। लेकिन हम मनाएंगे उसको, यानी कि फास्ट जो रहेंगे वो 10 तारीख को रहेंगे, 10 जुलाई को। जी हाँ, क्यों? क्योंकि हमारा शास्त्र जो है वो उदया तिथि को लेता है। तो इसीलिए बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि हम देवशयनी एकादशी जो है उसका व्रत जो है वो 9 तारीख को करें या 10 को। तो आपको 10 को करना है। क्यों? क्योंकि 9 तारीख को लग रहा है लेकिन संध्या में लग रहा है, जो कि सूर्योदय का कब का हो चुका रहेगा, और सूर्योदय होगा 10 तारीख को, जबकि आपकी तिथि रहेगी एकादशी की। तो इसीलिए मान्य होगा 10 तारीख को। अब 10 तारीख को कब तक रहेगी, तो 2:13 पर समाप्त होगी तिथि। करना क्या है आपको, तो सुबह जल्दी उठिएगा 10 तारीख को, स्नान ध्यान कीजिएगा और इसके बाद फ्रेश हो जाइएगा। घर के मंदिर में एक दीपक जला दीजिएगा, भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक कीजिएगा, भगवान विष्णु को फूल और तुलसी जी को चढ़ा दीजिएगा। तुलसी जी बहुत पसंद हैं भगवान विष्णु को, तो तुलसी दल आपको जरूर चढ़ाना चाहिए। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी जरूर रखिएगा, भगवान की आरती कीजिएगा, भगवान को भोग लगाइएगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का भोग लगाना है आपको। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करना है। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इस पावन दिन पर भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा भी आपको करनी चाहिए। इस दिन भगवान जो हैं वो आपको अधिक से अधिक संपन्नता देते हैं। अगर उनका आप ख्याल रखते हैं तो आपका वो ख्याल रखते हैं, आपके स्वास्थ्य का, आपके जीवन का, आपके दाम्पत्य जीवन का। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है एकादशी का व्रत करना, जरूर कीजिएगा। और कैसी लगी आपको ये जानकारी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगले और किस त्यौहार के बारे में जानना चाहते हैं कमेंट करके हमें बताइए, या फिर कौन सी कथा जो है उसके बारे में जानना चाहते हैं कमेंट करके बताइए। हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते हैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर दीजिए, और क्या सुधार चाहते हैं चैनल में अपना सुझाव भी दीजिए, हमें बहुत अच्छा लगता है आपका सुझाव। और एक मदद हमारी कीजिए कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ताकि सभी को वीडियो मिल सके। आप देख रहे हैं जीवन जीने की कला स्पिरिचुअल चैनल। फिलहाल इस वीडियो से विदा लेते हैं, जुड़ेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। जाते जाते कमेंट में लिखें ओम विष्णुवे नमः।